पाकिस्तान में खौफनाक ट्रेन हादसा, दो ट्रेनों के तसादुम में 40 अफराद जान बहक। हादसा पाकिस्तान के शहर घोटकी में पेश आया। तुर्की में यौमिया रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। हफ्तावार लॉकडाउन जुलाई तक जारी रखने का ऐलान। तुर्की के बहीरा मरमरा में गंदगी की मोटी तह को साफ करने का काम शुरू हो गया। साहिल पर गंदगी के बाइस समंदरी हयात को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। इस्तांबुल में 7 मेट्रो लाइंस की तामीर का काम शुरू हो गया। 2023 तक तामीर मुकम्मल हो जाएगी। बहीरा अस्वद में कुदरती गैस की तलाश के लिए तुर्की इस साल मजीद कुएं खोदेगा। बहीरा अस्वद तुर्की की तवानाई में खुद कफालत की मंजिल का अहम जरिया बनता जा रहा है। रवां माली साल के पहले 5 माह में तुर्की के एयरपोर्ट से 3 करोड़ से जायद फिजाई मुसाफिरों ने सफर किया। जनवरी से मई के दौरान 1,84,00,000 मकामी और 1,10,00,000 से जायद गैर मुल्की मुसाफिरों ने फिजाई सफर किया। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए मुज़ाकरात कामयाब। तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का फैसला। सऊदी अरब में गिलाफ काबा की तैयारियां आखिरी मराहल में। हज के मौका पर गिलाफ काबा तब्दील किया जाएगा। Malika serves. Quick set, throw down, that's game, set and match. Thailand trounced ultimately. Turkey tractor on in this VNL. और तुर्क खवातीन वॉलीबॉल टीम की जीत का सिलसिला जारी। इटली में होने वाली नेशंस लीग में थाईलैंड को शिकस्त दे दी।